तो आप कंप्यूटर में कंप्यूटर नंबर ही चाहिए, यानी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, क्या होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है भाई, कंप्यूटर की डेफिनेशन बताएंगे आप, प्लीज खड़े हो, नहीं पता तो सुन लें, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या डिवाइस कहते हैं जिसे, जो कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को यूजर से लेता है और उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करके वापस यूजर को दे देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। यानी एक बार फिर सुने, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को यूजर से लेता है, यूजर कौन है, हम, और डाटा हम देते हैं, कंप्यूटर हमसे लेता है और उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करके वापस यूजर को दे देता है, उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। भाई दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स वेबर्स ने कंप्यूटर को बनाया है, ठीक है। कंप्यूटर का मैप किसने बनाया, जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर का मैप बनाया है, किसने, भाई कंप्यूटर का आविष्कार कौन से सन में हुआ था, 1946 में, यानी 1946 में, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है, तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस समझ लें, कंप्यूटर में इनपुट यानी होता है जो डिवाइस कंप्यूटर में भाई इनपुट हमसे लेता है, मतलब कंप्यूटर हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है उस डिवाइस के द्वारा, वो डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। जैसे कि भाई माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बोर्ड, ये सब क्या होती है, हमारी इनपुट डिवाइस होती है, क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है भाई। उसके बाद आप लोगों को आउटपुट डिवाइस भी पता होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस क्या होती है भाई, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में वह डिवाइस होती है जो कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर हमें देता है उस डिवाइस के द्वारा, जैसे भाई एलसीडी हो गया, आ रहा है समझ आपको, एलसीडी हो गया, प्रिंटर हो गया, फ्लोटर हो गया, स्पीकर हो गया, भाई ये क्या होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉस क्या होता है, डॉस पता है भाई, डॉस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या, डॉस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मैनेजमेंट कर कर कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, आ रहा समझ आपको भाई। अगर कंप्यूटर के अंदर डॉस नहीं है तो ना तो कंप्यूटर चलेगा और ना ही वह कोई वर्क कर पाएगा, यानी डॉस कंप्यूटर की आत्मा कहा गया है, क्या कहा गया है, आत्मा, ठीक है। ये डॉस होता है मेन इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं डॉस को, ठीक है भैया। आवाज नहीं करें आप लोगों की, आवाज बहुत आ रही है, बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। चलिए आवाज किसकी है, चलो अभिषेक बाहर जाओ, आप बाहर जाइए प्लीज, आप प्लीज बाहर जाइए, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप प्लीज बाहर जाइए, क्लास में ना पूछे, ठीक है। तो भाई हम थे डॉस पर, डॉस क्या होता है, डॉस एक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डॉस यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मैनेजमेंट करके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। अगर डॉस नहीं है कंप्यूटर में, ना तो कंप्यूटर चलेगा, ना ही वह कोई भी वर्क कर पाएगा, ठीक है। यानी कंप्यूटर डॉस के बिना बिल्कुल अधूरा है, ठीक है, बिल्कुल अधूरा। भाई कंप्यूटर का कोई वजूद नहीं है अगर बाय चांस डॉस नहीं है तो, ना तो कंप्यूटर चलेगा, ना ही हम कोई से भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो भाई डॉस क्या होता है, कंप्यूटर की जान यानी कंप्यूटर की आत्मा होती है। भाई कंप्यूटर में एक्सेसरीज क्या होता है, पता है कुछ, एप्लीकेशन नहीं होते हैं भाई कंप्यूटर में, एक्सेसरीज जो आवश्यक होते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते, आवश्यक होते हैं लेकिन जरूरी नहीं। भाई वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं पता है आप लोगों को, भाई वो ये सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि वर्ड पेड हो गया, नोट पेड हो गया, पेंटिंग हो गया, विंडोज मल्टीमीडिया हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एक्सेसरीज। भाई ये जब डॉस डालते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालते हैं, उसी वक्त ये साथ में डल जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये अलग से नहीं डाले जाते हैं। जैसे हम टाइपिंग मास्टर अलग से डालते हैं,
ऑफिस अलग से डालते हैं, ये हमें अलग से नहीं डालने होते हैं। जब डॉस डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर चढ़ता है यानी कंप्यूटर के अंदर डलता है, उसी वक्त ये डॉस के साथ ही एक्सेसरीज आती है। ओके भैया आगे देख लें आप। उसके बाद आप लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या है, क्या होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बताए कुछ भैया। हार्डवेयर का मतलब कंप्यूटर में वह डिवाइस होती है जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे माउस हो गया भाई, आपका सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, एलसीडी हो गया, ये सभी हमारी ऐसी डिवाइस होती है जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ये वो पार्ट है। और अगर सॉफ्टवेयर की बात आती है, प्रोग्रामों का वह समूह, प्रोग्रामों का वह समूह जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उन्हें क्या बोलते हैं हम भाई सॉफ्टवेयर। भाई ये सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे आपको, सॉफ्टवेयर आइकन, ठीक है, क्या बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर आइकन बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की डेफिनेशन कही जाए तो प्रोग्रामों का वह समूह जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके भाई ये बताएं मुझे कि अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर जो है आपका यहाँ पर, कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड होता है, ठीक है भाई, कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती हैं, 104 है ना, कितनी 104 भाई। मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी होते हैं जिनके अंदर अलग अलग कीज होती हैं भाई, 102 से लेके अधिक से अधिक भाई 112 तक होती है भाई। अपना सिंपल कीबोर्ड में होती है 104 और अदर दूसरे कहा जाए तो 106 भी होती है, 108 भी होती है, ज्यादा ज्यादा 112। ओके तो भाई ये हमारा कीबोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंजी पटल, और कंप्यूटर को हिंदी में, चलिए ठीक है भाई, ये आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का भाई मैंने आप लोगों को बताया। और उसके बाद थोड़ा सा एक जानकारी और देना चाहता हूँ, कंप्यूटर में कितनी मीडिया होती है, 5। भाई एक बात बताओ मुझे कि मैंने आप लोगों को कंप्यूटर में विस्तार पूर्वक वीडियो के बारे में बताया, भाई ये बताओ कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कौन सी पीढ़ी में किया गया, फर्स्ट जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन के अंदर। भाई सेकंड जनरेशन में आविष्कार किसका हुआ था, ट्रांजिस्टर का, और थर्ड में, आईसी, गुड, फोर्थ, और फिफ्थ, भाई अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। भाई आज हमारा सिस्टम है भाई कंप्यूटर जब ऑन होता है तो ऑन होने से लेकर जो लास्ट तक की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं बूटिंग प्रोसेस, क्या बोलते हैं बूटिंग। भाई सभी डीसीए बिजली डीसीए का फुल फॉर्म तो पता होगा, पता है ना, अच्छा डीसीए का फुल फॉर्म बताए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका डीसीए का फुल फॉर्म है। और पीजीडीसीए का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भाई पीजीडीसीए के जो आपका फुल फॉर्म रहा। सब्जेक्ट आपको पीजीडीसीए का पता है, नहीं पता, नहीं, पीजीडीसीए के 8 सब्जेक्ट हैं, 8, और डीसीए के हैं 6, तो डीसीए के भाई 6 सब्जेक्ट हो गए, नाम भी बता दें, आप बताएंगे, नहीं बता, मैंने आप लोगों को भाई सब्जेक्टों के नाम भी लिखवाया और विस्तार पूर्वक उसका डिटेल भी लिखवाया भाई, उसके बावजूद भी आप लोगों को नहीं आता, आप एक बार बताएं मुझे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डीटीबी एंड फोटोशॉप वेब टेक्नोलॉजी एंड आईटी ट्रेंड्स, भाई ये आपके डीसीए के सब्जेक्ट इन्होंने बता दिए। क्योंकि भाई वो तो हैंग हो गया है,
भाई इतना जितना मैं आप लोगों को फंडामेंटल पढ़ाया है उतना सारी चीजें आती हैं आप लोगों की आ गया है भाई। आप लोगों को ये बताओ इस